तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स। कल हमने आपको लास्ट क्लास में इसके डेफिनेशन और पूरे ऑर्गेनेल्स के नाम बता दिए थे, आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक खास काम करने वाले लोग। जैसे कंपनी में वर्कर्स होते हैं, उसी तरह सेल को कंपनी मान लो और छोटे छोटे वर्कर एक एक काम करते हैं, पूरा काम होता है कंपनी का। उसी तरह सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सेल के पूरे काम करते हैं, मिला के पूरे सेल का काम हो जाता है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला नाम है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे, हम आपको शेप भी बना के दिखाएंगे। ऐसा रहता है और ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। अंदर टेढ़ा मेढ़ा, बाहर सीधा सीधा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबका हम निक नेम बताएंगे। इसका काम, इसका नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का निक नेम होता है पावर हाउस। पावर हाउस समझता होगा, एनर्जी जहां बनता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसका काम भी हम आपको बता देते हैं, फंक्शन। तो यहां पर फंक्शन लिखते रहेंगे। फंक्शन क्या करता है ये? फंक्शन करता है बच्चों ये प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस एनर्जी, जितना भी एनर्जी काम लगता है सेल के अंदर सब यही बनाता है। सबको पता है एनर्जी लगेगा काम करने को, तो एनर्जी तो लगेगा, हमको एनर्जी लगता है खाने उठने बैठने, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। दूसरा है बच्चों राइबोसोम। राइबोसोम कहां होता है, ध्यान से सुनना। राइबोसोम ऐसा होता है, देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके सरफेस पे पाया जाता है, छोटा छोटा डॉट डॉट में होता है ये। इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ ईआर, ईआर शॉर्ट में होते हैं, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन बनाना, ठीक है। प्रोटीन मैन्युफैक्चर, प्रोटीन बनाना लिखो। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने की कंपनी, बराबर है। सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है, कहां प्रेजेंट होता है? तो ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। ये दाना दाना दिख रहा है, ये है आपका राइबोसोम। तीसरा है बच्चों इनवेक्यूल्स। वेक्यूल्स खाली खाली रहता है, ऐसा तुम देखे होगे। वेक्यूल्स जो होता है, बड़ा साइज का वेक्यूल प्लांट में प्रेजेंट होता है। लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स, ये प्रेजेंट होता है प्लांट में, और स्मॉल साइज वैक्यूल होता है एनिमल में। स्मॉल साइज वैक्यूल्स होता है बच्चों एनिमल्स में, जानवर में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल का क्या काम होता है? तो वैक्यूल क्या करता है? स्टोर करता है। तो इट स्टोर, इसका काम ही है स्टोरेज ऑर्गेन है, स्टोरेज पार्ट है। क्या क्या स्टोर करता है तो ये लिख लेते हैं हम लोग। इट स्टोर वाटर, खाना पानी सब स्टोर करता है, वाटर, उसके बाद फूड, उसके बाद वेस्ट मटेरियल, वाटर फूड वेस्ट कचरा, इन सब चीजों को स्टोर करके रखता है।
ठीक है। चौथे नंबर पे है बच्चों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा दिखता है मेम्ब्रेन ट्यूब्स रहता है ऐसे ऐसे ट्यूब ऐसा, ठीक है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ट्यूब्स है ठीक है, ट्यूब्स रहता है और राइबोसोम इसी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। इसके सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। काम क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया बच्चों वो इसके सरफेस पर ही बना दिया ना, बिल्कुल। तो आपके घर के बगल में कोई प्रोटीन बना रहा है तो आप उसको इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। From one place to another place. Inside the cell. Cell के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ये material को transport करने का काम करता है, ठीक है? Okay बच्चों, सबका हम photo भी बना रहे हैं, कैसा होता है, detail भी लिख रहे हैं, काम भी लिख रहे हैं। काम ही पूछा जाता है paper में। और ये nickname, ये निक नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस, प्रोटीन फैक्ट्री। चलिए अगला है गोल्गी बॉडी। ये मिटा देना राइबोसोम। चौथा, तो अगला है गोल्गी बॉडी, कहीं कि इसको गोल्गी अपरेटस भी बोला जाता है। इसलिए हम तुमसे पूछ रहे थे क्या लिखा हुआ तुमने। ये जो साइंटिस्ट थे उन्हीं का नाम था गोल्गी, उसी के नाम पे रख दिया इन्होंने। इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, देखो ऐसा है। ऐसा होता है, आप कोई भी सेल उठा करके देख लो, ऐसा आपको दिखेगा। तो इसमें पैरेलल ट्यूब्स होते हैं। पैरेलल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट, इसका भी काम ट्रांसपोर्ट ही है, दोनों का काम एक कॉमन है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड एंजाइम, प्रोटीन और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करता, वो सिर्फ प्रोटीन को करता था, ये प्रोटीन्स के साथ साथ एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण करता है ये, ठीक है। ये मेन काम है इसका। अगला है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स का एक और नाम है सेंट्रियोल्स। तो ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, कल डिफरेंस भी लिखा था हमने, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये सेल डिवीजन में मदद करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सुने हो क्या? जो हमारे शरीर में बच्चों, ध्यान सुनेंगे, हम लोग जब छोटा हुए थे, पैदा हुए थे, छोटे से थे, अभी बड़े कैसे हो गए? तो हमारे जो सेल होता है एक, वो डिवाइड हो होके दो दो टुकड़े में बनता है, फिर दो से चार, चार से आठ, ऐसे बढ़ते रहते हैं सेल। तो सेल डिवीजन में मदद करता है।
अगला लाइसोसोम। लाइसोसोम को बच्चों सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग, मौत का बैग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल एंजाइम्स होता है। जैसे ये फट जाएगा, मान लो इसमें, इसके अंदर ध्यान से सुनना, तो ये कैसा दिखता है, बनाया नहीं, सॉरी, ऐसा स्टार जैसा। ये कैसा दिखता है, छोटा सा गोला रहता है ऐसे, बस इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। जैसे ये फटेगा तो क्या करेगा, पूरे के पूरे सेल को ही मार देगा, खुद भी मरेगा, सेल को भी मारेगा। खुद मर जाना उसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं ना, इसलिए इसका नाम है सुसाइडल बैग। क्या नाम है इसका? सुसाइडल बैग। क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, बिकॉज इट ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल फ्रॉम फॉरेन, फॉरेन मतलब बाहर से आने वाले कोई भी बॉडी से, फॉरेन बॉडी, फॉरेन सुने होंगे, विदेश, फॉरेन बॉडी से। कीप सेल क्लीन, सेल को क्लीन रखता है बाय डाइजेस्टिंग ओल्ड एंड डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स। मतलब पुराना कोई ऑर्गेनेल हो गया, कोई सेल ऑर्गेनेल मान लो बुढ़ा हो गया और या डैमेज हो गया, तो उसको वो डाइजेस्ट कर जाता है, मार देता है, खत्म कर देता है। इस तरह से सेल को सफाई रखता है। समझ में आया? घर में कोई कुचरा काली दिख रहा है, फेंक दिया उठा के, घर सफाई रखा, उस तरह ये सेल की सफाई रखता है। दिवाली में काम आएगा। अगला होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड ऐसा होता है बच्चों, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके तीन टाइप्स हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इसके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, सुने होगे तुम बचपन में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमो, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के अंदर दूसरे दूसरे कलर्स होते हैं। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। चलो एक एक का काम देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो इसके तीनों पार्ट का हम एक एक काम लिख रहे हैं, तो सबका एक एक काम हो जाएगा। हाँ बोलो। डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स सुने हो क्या? सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं ना। तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल पुराना हो गया या डैमेज हो गया तो उसको पचा जाता है, खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? इट हैज क्लोरोफिल, सो इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसके क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट, इसमें दूसरे दूसरे रंग होते हैं। जैसे देखो तुम किसी पेड़ में लाल फूल निकल रहा, किसी में हरा फूल निकल रहा, किसी में ग्रीन निकल रहा, किसी में कुछ निकल रहा, तो ये रंग कहां से आ रहा है? रंग बना रहा है पेड़ नहीं, उसके अंदर जो क्रोमोप्लास्ट में जो कलर स्टोर है वही मिलता है। तो इससे बच्चों फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रदान करता है। सुन लो, इट स्टोर पिगमेंट्स,
यानी कलर, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स, फूल को एंड फ्रूट्स, फल को। तो देखो किसी का फल पीला हो रहा है पक्के, किसी का फल लाल हो रहा है पक्के, हो रहा है क्या, किसी का ब्लू हो रहा है। अरे ये सब कलर कहां से आया भाई, हमने डाला था पानी में मिला के कलर डाले थे तुमने पेड़ में, नहीं तो आया कहां से रंग भाई, इसके अंदर होता है। इसका एक और बचा है, हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसका एक बचा है इसी में लिखेंगे, हाँ अलग मत करना। तो ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, बट इसके अंदर कुछ कुछ मटेरियल स्टोर रहता है, ठीक है, स्टोर फूड। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिड है, इट स्टोर फूड। तो फूड स्टोर दो जगह हो रहा है, वैक्यूल्स में भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। फिर से देख लो, क्लोरो में हरा रंग होता है, इसमें पीला नीला जो भी कलर का फूल फल, जैसे कोई प्लांट है जिसमें पीला फल निकलता है तो इसमें पीला रंग होगा, कोई प्लांट है जिसमें लाल फल निकलता है इसमें लाल रंग होगा, जैसा फूल या फल निकलता है उस पेड़ में वो वाला रंग उसके अंदर भरा रहता है पहले से। ये हो गया प्लास्टिड, प्लास्टिड के तीन टाइप्स हो गए, तीनों का एक एक काम हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ा जाए तो अब आखिरी आठ हो गया, नौ नंबर चलते हैं, तो है जी आठ ही है, ठीक है, तो बस इतना ही आपका खत्म हो गया कहानी। तो एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं थोड़ा सा बोल बोल के।